एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने भ्रष्टाचार मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर गंभीर आरोप लगाए। राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सचिव यादव ने आरोप लगाते हुए मंत्री तोमर को कहा है कि पिछले दिनों इंदौर वो आए थे, 10 मिनट बैठक की और रवाना हो गए। उसके बाद शर्मा का पैसों को लेकर ठेकेदारों से बातचीत वाला ऑडियो वायरल हुआ। इससे साफ होता है कि मंत्री तोमर इंदौर में पैसों की वसूली करने आए थे। अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री तोमर अधिकारी शर्मा को तुरंत सस्पेंड करें, ट्रांसफरों को कॉलोनाइजर, ट्रांसफार्मरों को कॉलोनाइजर को बेच दिया गया है। वह इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया किन दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 72 एकड़ भूमि पर बना होलकर कालीन धरोहर लालबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि लालबाग पैलेस को अपने वास्तविक रूप में पहुंचाने के लिए आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि यहां पर काम की गति फिलहाल धीमी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने निरीक्षण कर काम की गति को बढ़ाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि लालबाग की सूरत अपने पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए इंदौर का प्रत्येक नागरिक चिंतित है, साथ ही अपने सुंदर स्वरूप को जल्द से जल्द पाने के लिए और वो स्वरूप फिर से पैदा हो, इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। वहीं इंदौर की क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, कार और कई चीजें बरामद की गई हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच ने इंदौर के कारोबारी ललित वर्मा की शिकायत पर मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी एजाज ने बताया कि वो आरबीआई और इनकम टैक्स का पत्र खुद तैयार करता है और मोहर बनवाने का काम देवेंद्र मालू करता था। आरोपी ने अब तक कई निजी बैंकों की फर्जी सील बनाई थी। क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई करते हुए सभी सीलें बरामद की हैं। आरोपी एजाज की कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच को एक सातर जालसाज जिसका नाम मोहम्मद एजाज, पिता अब्दुल बहाव है, जो मूलतः मुंबई का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके विरुद्ध में 420 अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये दोस्ती बनाकर फिर बहला फुसलाकर अच्छी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से ठगी करता था, जिसमें ये बताता था कि इसका पैसा जो है आरबीआई में अटका हुआ है, इनकम टैक्स का कुछ क्लियरेंस बचा हुआ है, और उस आशय के पत्र जो हुबहू असली जैसे दिखते थे और फर्जी बनाते थे, ये लोगों को बताता था। वह इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार दोनों भाई कई दिनों से परिवार से अलग तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक अस्थायी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जहां दोनों भाइयों में नशे की हालत में विवाद हुआ और विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। तिलक थाना क्षेत्र में राजगही कॉलोनी है, वहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर दो भाई रहते थे। नशे की बात पर से उनमें आपस में विवाद हुआ और छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्थर से हत्या कर दी। ये दोनों इनके पिता की मृत्यु हो गई है, इनकी माँ और दो बहनें हैं, किंतु ये अपने परिवार के साथ ना रहकर अभी पिछले कुछ दिनों से वहीं राजगही कॉलोनी में ही एक अस्थायी तौर पर एक वहीं रतलाम में निजी स्कूलों की मनमानी और सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात के बाद बात नहीं बनी तो छात्र नेता जिला शिक्षा अधिकारी से नाराज होकर वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद छात्र नेता कलेक्टर को बुलाना चाहते थे, लेकिन 2 घंटे प्रदर्शन के बाद भी कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे,
जिससे गुस्साए छात्र नेताओं ने कलेक्टर का पुतला फूंका, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग जिला शिक्षा अधिकारी जी से थी अभी तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अभी तक एडमिशन, कल लास्ट डेट थी 30 तारीख, उनमें कई विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हुए और रतलाम पूरे ज़िले में प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज़्यादती है कि टीसी के नाम पे अवैध वसूली, कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उसको इस साल की भी फीस पूरी ले रहे हैं। इसको लेके हमने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जी को 7 दिन पहले हमने अवगत करा दिया था। कल तक का अल्टीमेटम तक कल मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई, उनका कहना है मैं और किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं इस काम में नहीं हूँ। जी बिल्कुल, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे हम, और AVP के लड़कों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं। रीवा में एक शख्स ने अमरती गांव को मिनी पाकिस्तान बताकर भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर डाला और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाने में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि अमरती गांव को मिनी पाकिस्तान रहने वाला अफसर खान नामक व्यक्ति अमरती गाँव का ही निवासी है। इसने ही फेसबुक पर गोड़ थाना क्षेत्र के अमरती गाँव को छोटा पाकिस्तान लिखा। युवक सऊदी अरब के ओमान में रहता है और कुछ महीने पहले ही ये घर वापस आया है, जिसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में अपराध दर्ज कर गुड़ थाना को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस पोस्ट के बाद से आरोपी फरार है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। नाम का युवक है, उसने अपने फेसबुक आईडी पर धार्मिक वर्गों के बीच प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली टिप्पणी फेसबुक में की गई थी और अमरती को छोटा पाकिस्तान बताया गया था। इस पर से धारा 153 का 67 IT एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घटना थाना गुड़ की है, क्योंकि IT का नोडल थाना है सिविल लाइन, इसलिए हमारे यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध होकर के विवेचना थाना प्रभारी गुड़ को सौंप दी गई। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीम सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमीम, क्या ये पूरा मामला है, भड़काऊ पोस्ट किया गया है? सर, वो अभी हाल ही में सऊदी अरब के ओमान से वापस इंडिया आया था, वो फेसबुक में अपना छोटा मिनी पाकिस्तान बता के इसको एक फोटो वायरल किया था, जिसके वायरल होने पर बड़ी प्रशासन हरकत में आ गई। अब इसके तहत IT एक्ट के तहत से मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो लोग हैं उस गांव के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? इनको कहना कि वो गलत है, इससे पोस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस गांव में अधिक से अधिक मुस्लिम लोग रहते हैं और इसकी वजह से लोगों को छोटा पाकिस्तान यही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं रीवा के ही सेमरिया विधानसभा से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। यहाँ पर कुछ लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही सर्टिफिकेट दे दिया गया। बता दें कि कुछ लोगों के मोबाइल पर कोविशील्ड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जारी हुआ, जबकि इनको वैक्सीन लगाई ही नहीं गई है। प्रमाण पत्र के जारी हो जाने से अब इन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जिसके बाद से ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं। इनका आरोप है कि वैक्सीन सेंटर पर जब ये टीका लगवाने गए तो इन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता है कि वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं इस मामले की शिकायत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की दलील है कि वैक्सीन लगने के पहले रजिस्ट्रेशन इस परिवार का हुआ होगा, जिसमें आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर लिया गया होगा। हो सकता है कि भीड़ की वजह से इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो और 2 घंटे बाद ये सर्टिफिकेट जारी हो गया। अब इन परिवारों को चिन्हित कर वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। शमीम, ये एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया, जहां पर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी और उनका प्रमाण पत्र जारी हो गया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, ऐसे कितने लोग सामने आए हैं? ये मामला फर्जीवाड़ा पूरे प्रदेश, पूरे रीवा जिले में चल रहा है सर। ये अभी हाल ही एक मामला आया था, एक शख्स ने वैक्सीन लगवाई, कोई वैक्सीन लगवाया था लेकिन इसके मोबाइल में कोविशील्ड का मैसेज आया था। ऐसे में जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या बयान आया है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है? चिकित्सा अधिकारी कहना है कि सर, वो भीड़ भाड़ में कभी कभी लोग आते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और चले जाते हैं, तो उसमें मैसेज 8-2 घंटे बाद मैसेज आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के बीरखाम गांव में वैक्सीनेशन को लेकर एक बात का मैं आपसे कहना चाहता हूं।
बीरखाम में 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया कि मुझे वैक्सीन लगाई जाए, और 23 तारीख को जब वो भिलौड़ी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचते हैं तो उनको वैक्सीन का मैसेज आ जाता है, और वहां जो वैक्सीन लगाती हैं मैडम ने बोल दिया आपको वैक्सीन लग गया आप जाइए। उसके बाद 6-7 दिन से लगातार वो लोग जा रहे हैं और आज भी गए थे, तो उन्हें ये कह के भगा दिया गया कि आपको वैक्सीन लगी है, जबकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है और उनके पास सर्टिफिकेट भी आ गए फर्स्ट डोज का। तो मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सरकार से कि सिर्फ और सिर्फ पेपर की सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि जनता के हित के लिए कोरोना का टीका लगवाइए, फर्जी सर्टिफिकेट भेजकर। वहीं सिंगरौली जिले में पीड़ित शोषित महिलाओं के लिए महिला थाना शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन सिंगरौली की सांसद रीति पाठक ने किया है। बता दें कि महिला थाना न होने की वजह से यहां पीड़ित महिलाएं दूसरे थानों के चक्कर लगाने को मजबूर थीं, लेकिन अब महिला थाना खुल जाने की वजह से महिलाएं खुलकर महिला थाना प्रभारी के बीच अपनी समस्याएं बता पाएंगी। सिंगरौली सांसद रीति पाठक ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रिबन काटकर थाने का उद्घाटन किया। सांसद खुद भी मानती हैं कि महिला थाना खोलने से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब यहां पीड़ित और शोषित महिलाओं को न्याय की बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी। निश्चित रूप से विलंब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब पीछे की तरफ ना सोचते हुए आगे की व्यवस्थाओं को कितना हम सुदृढ़ कर सकते हैं, और अपने पूरे समूह के साथ, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन का मुहतमा हो, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, सबको सामूहिक इसमें काम करना पड़ेगा, और जिस इस थाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को परिणित कराने का प्रयास करना। पुलिस बल की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ सिंगरौली जिले के पुलिस प्रशासन को कि सीमित संसाधनों में भी बेहतर काम किया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत के द्वारा 1 किलोमीटर लंबी सड़क 10 लाख रुपए की लागत से पंचायत निधि से बनाई गई थी, लेकिन मौके पर सड़क है ही नहीं। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो उस पर सरपंच रमेश कुमार यादव के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली एवं थाना प्रभारी मझौली को एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें लिखा गया कि ग्राम पंचायत में शाम तक सड़क बनी थी, लेकिन वहां पर कोई सड़क का निर्माण नहीं है। वहीं मामला सुर्खियों में आने के बाद मझौली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ML प्रजापति का कहना है कि उनकी पदस्थापना मझौली जनपद पंचायत में हुई है। आवेदन पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है, इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायसेन में सिलवानी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रामपाल सिंह ने बेगमगंज समेत क्षेत्र के कई ग्रामों में पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही बेगमगंज में कृषि उपज मंडी में स्थित नवनिर्मित किसान विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया और वृक्षारोपण में भी भाग लिया। इस दौरान विधायक ने ग्राम गेहूरास पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।